हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और यह है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 45, शेड्यूल टू बी डन ऑन 9th November 2021 फॉर क्लास 9। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यस, जो आप सब ने फॉलो किया अभी तक कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें सभी को पता है कि टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। ये 3 मंत्रास हैं जिससे हम लोगों ने कोविड स्प्रेड होने से रोका, और आगे भी इसी से हम सब सेफ रह पाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इवन दो COVID-19 केसेस हैव ड्रॉप्ड, वी ऑल स्टिल नीड टू बी कॉशियस, और हम सभी को ही सावधान रहने की फिर भी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू स्टे सेफ। स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें सावधान रहना होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू वियर मास्क व्हेन गोइंग आउट ऑफ होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। लेट अस मीट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स, दे ऑलवेज वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, दे आर हीरोज इन देयर लोकेलिटी। तो ये सारे जो बेटा पिक्चर है, ये क्या है, सोनिया और उसके फ्रेंड्स की है। ये सभी मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं, इसलिए ये सब क्या है, ये अपने लोकेलिटी के हीरोज़ हैं। हाउएवर, देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स विच आर नेसेसरी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19। लेकिन फिर भी कैसा भी कर लें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। तो टू फाइंड आउट अबाउट पीपल हु वायलेट द सेफ्टी नॉर्म्स, ऑल द एल्डर्स इन सोनियाज लेन डिसाइडेड टू अपॉइंट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट अबाउट सच पीपल सो दैट नेसेसरी एक्शन मे बी टेकन। तो सोनिया को लीडर बना दिया गया और उसके फ्रेंड्स को, और वो सभी क्या करते थे, वो देखते थे कि कौन है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उनको पहले वॉर्न किया जाता था, रिपोर्ट अबाउट सच पीपल, पहले वो ऐसे लोगों को जाकर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके सेंसिटाइज करना है। तो अब सेंसिटाइज करने के लिए क्या करेंगे, सोनिया को और उसके फ्रेंड्स को अपॉइंट किया गया कि वो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें, और सोसाइटी हेड होते हैं जैसे, तो उनको रिपोर्ट करेंगे कौन कौन लोग हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे। तो सोनिया एंड हर फ्रेंड्स आइडेंटिफाइड 4 पीपल। तो उन्होंने, सोनिया और उसके फ्रेंड्स ने 4 लोगों को पहचाना हु रिपीटेडली वेंट आउट विदाउट मास्क, जो ज़्यादातर बार बार बाहर जाए गए लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना था। दे वर नॉट एबल टू कैप्चर देयर इमेजेस, सो दे डिसाइडेड टू नोट डाउन देयर डिस्क्रिप्शन। तो उनकी फ़ोटो तो नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो उनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। देयर आर 2 males and 2 females, लुक एट देयर नोट्स गिवन बिलो एंड हेल्प देम कम्प्लीट the descriptions of these four people so that elders can identify them and talk about following the norms in the right manner and ensuring safety in these covid times। तो यहाँ पर क्या है कि सोनिया और उसके फ्रेंड्स ने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया या पहचाना। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान लिया कि ये ऐसे लोग हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते, मास्क का यूज़ नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। तो इस वजह से ऐसे लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और उनके बच्चों ने क्या किया, नोट्स नोट डाउन किए, क्योंकि वो फ़ोटो नहीं ले पाए थे, जिसमें से 2 males हैं और 2 females हैं, जैसा कि आप यहाँ फोटोग्राफ में भी देख पा रहे हैं। अब देखिए बेटा, कुछ नोट्स जो हमें दिए गए, नोट्स में कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे पेल, बिग मुस्टैच, वियर्स सनग्लासेस, हैज़ बियर्ड, वियर्स अ कैप, हैज़ कर्ली हेयर। तो ये सारे इनके नॉर्म्स हैं, कैसी करेक्टरिस्टिक है, कैसे वो दिखते हैं अपीयरेंस, ये सब बताया गया। और आपको इनमें से यूज़ करके डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन, देखिए आप फर्स्ट पर्सन देखिए, ये सीरियल ऑर्डर्स डले हुए हैं। तो वन जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो क्या कर रहा है, यस, वो ओल्ड मैन है, बुज़ुर्ग लग रहे हैं, और कैसे लग रहे हैं, फैट लग रहे हैं, यानी कि मोटे लग रहे हैं। अब अगर कुछ हम लिखेंगे बॉय के बारे में, तो बॉय, ये वाला बॉय कैसा है, 2 males में से एक तो हमारे ओल्ड मैन है, और ये वाला कैसा है, यंग,
ये यंग बॉय, यंग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, यंग का मतलब है छोटी उम्र का और ओल्ड मतलब बड़ी उम्र। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स का यूज़ करके जो आपको क्ल्यू बॉक्स में दिए गए हैं उसका यूज़ करके आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वन में रहेगा, सेकंड का डिस्क्रिप्शन टू में, थर्ड एंड डिस्क्रिप्शन फोर। तो देखिए अ फैट मैन विद अ बिग मुस्ताच एंड बियर्ड, ही इज़ एन ओल्ड मैन। एक फैट मैन है, एक मोटे से व्यक्ति हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है। ही इज़ एन ओल्ड मैन हु लुक्स एंग्री, वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और उन्हें देख के क्या लग रहा है कि वो गुस्सा है, एंग्री लग रहे हैं वो। उसके बाद देखिए ही हैज़ कर्ली हेयर, अब यहाँ पर उनके कैसे हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं। ही हैज़ राउंड एंड ब्लैक आइज विद सोप, सॉरी ही हैज़ राउंड एंड ब्लैक आइज विद शार्प नोज, उनकी कैसी हैं आंखें, गोल और काली हैं और शार्प नोज, तीखा नाक है। ही वियर्स सन ग्लासेस एंड लुक्स एंग्री, तो हमने पहले भी जैसे इनको कहा कि वो कैसे लग रहे हैं, वो सन ग्लासेस पहनते हैं, वो सन ग्लासेस पहनने के साथ साथ उनकी जो आंखें हैं हो सकता है बहुत ज़्यादा डरावनी हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो उसको देखिए वियर सन ग्लासेस, तो और ऐसा लगता है कि ही वियर सन ग्लासेस एंड लुक्स एंग्री, तो जब सन ग्लासेस पहने हुए हल्का सा नीचे देखते हैं तो ऐसे डर लगता है और लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब डिस्क्रिप्शन टू देखिए, डिस्क्रिप्शन टू में ये टॉल यंग बॉय है, तो इनका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर टू में He is a handsome, bold, strong and fit man who looks like an athlete. वो एक फिट मैन है और कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक एथलीट है। जो He wears a cap, उन्होंने कैप पहन रखी है तो वह कैप पहनते हैं। He looks calm and smart, वो बहुत शांत और स्मार्ट लग रहे हैं, या हैंडसम वर्ड भी यूज़ कर सकते थे आप। नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन नंबर थ्री, तो डिस्क्रिप्शन नंबर थ्री किसका होगा बेटा, डिस्क्रिप्शन नंबर थ्री है इनका। तो देखिए डिस्क्रिप्शन नंबर थ्री में अ यंग टॉल लेडी हु इज़ वियरिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स, शी हैज़ ब्लैक एंड थिन आईब्रोज एंड लॉन्ग हेयर, शी हैज़ फेयर स्किन, शी लुक्स वेरी रश, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है, वह गोरी है, उसके ब्लैक काली और पतली आईब्रोज हैं और लॉन्ग हेयर हैं। क्वेश्चन नंबर फोर यानी कि डिस्क्रिप्शन नंबर फोर, तो डिस्क्रिप्शन नंबर फोर किसका है, ये जो ये लेडी हैं ओल्ड वुमेन, इनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। तो इनका डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या पहना हुआ, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। तो शी इज़ एन ओल्ड वुमेन विद ग्रे एंड लॉन्ग हेयर, उनके सफ़ेद बाल हैं लेकिन लंबे हैं। शी वियर्स अ साड़ी, वो साड़ी पहनती हैं। शी हैज़ नो एंड शी हैज़ ब्लैक आइज, शी हैज़ ब्लैक आइज मतलब उनकी काली आंखें हैं। शी लुक्स सिक, और वो कैसी लग रही है, वो लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी परेशान, थोड़ी सी बीमार है। शी गोज टू द टेम्पल डेली, वो डेली कहाँ जाती हैं, यस वो डेली मंदिर जाती हैं, उनके हाथ में थाली है ना। तो बेटा इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और आपको इस तरह से यहाँ पे अपनी और लाइनें जो आप सही समझते हैं वो ऐड ऑन करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी फॉलो करेंगे, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ यस 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, to stay safe in fight against COVID-19 wear a mask, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy, thank you and have a nice day।